Hi guys, so before starting with this video, let me tell you a very interesting fact. Pollen is essentially a plant sperm. Therefore, this makes hay fever a sexually transmitted disease. And since no one voluntarily takes in pollen, people have concluded that they are all being raped by trees. So basically, this is not a fact, this is a joke kind of thing. Now, without wasting any time, let's directly begin with our topic, edema. Edema ka layman language mein matlab hota hai swelling. And it is defined as a abnormal and excessive accumulation of a free fluid. Abnormal or excessive isliye kyunki normal conditions mein jo bhi free fluid accumulate hota hai wo lymphatic system ke through drain ho jata hai, lekin jab wo excessive ya fir abnormal amount mein accumulate hota hai to wo drain nahi ho pata aur us region mein accumulate ho jata hai aur फिर एडीमा कॉज करता है या फिर उस रीजन में या फिर जनरलाइज्ड वे में स्वेलिंग प्रोड्यूस करता है. तो अब ये कहाँ पे अकमलेट करता है, ये दो जगहों पर अकमलेट करता है, या तो इंटरस्टीशियल टिश्यू स्पेसेस में या फिर सीरस कैविटीज़ में. इंटरस्टीशियल टिश्यू स्पेसेस मतलब दो सेल्स के बीच की स्पेस, सीरस कैविटीज़ मतलब ऐसी बॉडी की कैविटीज़ जो सीरस मेम्ब्रेन लाइन कर रही है और सीरस मेम्ब्रेन उन कैविटीज़ में ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रोड्यूस करती है, सिक्रीट करती है ताकि मूवमेंट फ्रीली हो सके. फाइन, अब अगर इंटरस्टीशियल टिश्यू स्पेसेस में होता है तो उसे अपन एडीमा कहते हैं, लेकिन अगर बॉडी कैविटीज़ में या सीरस कैविटीज़ में हो रहा है तो उसे अपन इफ्ल्यूजन कहते हैं. और अगर सेल के अंदर हो जाता है फ्लूइड अकमलेट इन केस तो उसे हम इंट्रासेल्युलर एडीमा कहते हैं और उसे हाइड्रोपिक डीजनरेशन भी कहते हैं. हाइड्रोपिक डीजनरेशन मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर के थ्रू किसी चीज़ का डीजनरेशन होना. जब सेल के अंदर फ्री फ्लूइड अकमलेट कर जाता है तो सेल डिटोरिएट करने लग जाता है, उसकी जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती है वो ख़त्म होने लग जाती है, धीरे धीरे डीजनरेशन चालू हो जाता है. किसके कारण? हाइड्रो मतलब फ्री फ्लूइड के कारण. तो इसलिए हम इंट्रासेल्युलर एडीमा को हाइड्रोपिक डीजनरेशन भी कहते हैं. फिर उसके बाद अगर बॉडी कैविटीज़ में हो रहा है जिसे हम इफ्ल्यूजन कह रहे थे तो क्या क्या हो सकता है. जैसे सबसे पहले है पेरिटोनियल कैविटी में हो रहा है. पेरिटोनियम की दो लेयर्स होती है, एक होती है विस्ट्रल पेरिटोनियम और एक होती है पेराइटल पेरिटोनियम. और इन दोनों के बीच में जो कैविटी होती है उसे अपन पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं. अगर उधर फ्री फ्लूइड अकमलेट कर जाता है तो उसे अपन एसाइड्स बोलते हैं. और अगर प्लूरल कैविटी में अकमलेट कर जाता है तो उसे अपन हाइड्रोथोरैक्स या फिर प्लूरल इफ्ल्यूजन कहते हैं. हाइड्रोथोरिक्स इसलिए क्योंकि थोरैसिक रीजन में सबसे ज़्यादा स्पेस अक्वायर करते हैं लंग्स. और अगर प्लूरल कैविटी में ही फ्लूइड अकमलेट कर जाएगा तो अपन इसलिए उसको हाइड्रोथोरैक्स बोलते हैं. फिर उसके बाद पेरिकार्डियल कैविटी. पेरिकार्डियल कैविटी मतलब पेरिकार्डियम की दोनों लेयर्स पेराइटल और विसरल लेयर के बीच में जो कैविटी है उसमें एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड अकमलेट कर रहा है. नॉर्मल कंडीशंस में भी पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है ताकि ल्यूब्रिकेशन हो सके, हार्ट जो है वो इजीली फंक्शन परफॉर्म कर सके. बट अगर एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है तो उसे अपन बोलते हैं हाइड्रोपेरिकार्डियम या फिर पेरिकार्डियल इफ्ल्यूजन. फिर उसके बाद आता है फ्री फ्लूइड इन इंटरस्टीशियल टिश्यू स्पेसेस. सेल्स के बीच में जब अकमलेट होता है तो इट कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो वाला फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकते हैं. अब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. सबसे पहला है पिटिंग या फिर नॉन पिटिंग एडीमा. पिटिंग एडीमा का मतलब है अगर एडीमा सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में हो रहा है तो जहाँ पे एडीमा होता है अगर हम उधर फिंगर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उधर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, एक पिट फॉर्म हो जाएगा फिंगर रिमूव करने के बाद, तो उस एडीमा को हम कहते हैं पिटिंग एडीमा. लेकिन अगर कोई पिट फॉर्म नहीं हो रहा, कोई डिप्रेशन क्रिएट नहीं हो रहा प्रेशर अप्लाई करने के बाद फिंगर से, तो वो होगा नॉन पिटिंग टाइप का एडीमा. पिटिंग एडीमा का एग्जांपल था सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में और नॉन पिटिंग का एग्जांपल है मिक्स एडीमा या फिर एलिफेंटियासिस. मिक्स एडीमा का मतलब है हाइपोथायरॉयडिज्म इन अडल्ट. जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है अडल्ट के केस में तो उस कंडीशन को अपन मिक्स एडीमा कहते हैं. फिर उसके बाद है एलिफेंटियासिस. एलिफेंटियासिस एक पैरासिटिक डिजीज़ है जिसमें लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स में पैरासाइट
आ जाते हैं और वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, फिर उसके कारण लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो पाता और उस एरिया में इडीमा हो जाता है। फाइन, फिर उसके बाद आता है जनरलाइज्ड या फिर लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब इडीमा हो रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में या फिर लिम्ब में, उस पर्टिकुलर एरिया में वो कन्फाइंड है तो उसे अपन कहेंगे लोकलाइज्ड। लेकिन जनरलाइज्ड अगर होता है तो वो सिस्टमिक होता है इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो पूरी बॉडी में दिखेगा, एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल होता है सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में जितने भी तरीके के इडीमा होते हैं तो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में ये देखने को मिलता है। सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में पिटिंग टाइप का इडीमा भी देखने को मिलता है और जनरलाइज्ड इडीमा भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जनरलाइज्ड के दो और नाम होते हैं, एनासार्का एंड ड्रॉप्सी। ये बहुत ज़्यादा कॉमन नाम है तो ये लर्न करना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, एनासार्का एंड ड्रॉप्सी। अब लोकलाइज्ड एडिमा का एग्जांपल LPCE। वैसे तो ये निमोनिक इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आगे जब हम ये टाइप्स ऑफ एडिमा पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा कि कौन सा लोकलाइज्ड है और कौन सा जनरलाइज्ड है। बट स्टिल अगर कोई ऑन द स्पॉट पूछ ले कि ये एडिमा बताओ ये कौन से टाइप का है तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले LPCE। LPCE मतलब हियर यू कैन सी दिस LPCE, एल फॉर लोकलाइज्ड एडिमा, पी फॉर पल्मोनरी एडिमा एंड CE फॉर सेरिब्रल एडिमा। पल्मोनरी एडिमा लंग्स के अराउंड देखने को मिलता है, सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलता है ब्रेन रीजन में, फिर उसके सेरिब्रल रीजन में। फिर उसके बाद इसके दूसरे एग्जांपल्स है लिम्फैटिक एडिमा। लिम्फैटिक एडिमा मतलब जहाँ जैसे एलिफेंटियासिस की अपन बात करें, एलिफेंटियासिस में लोअर लिम्ब की लिम्फ वेसल्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो लोअर लिम्ब में इडीमा देखने को मिलता है, तो ये एक लिम्फेटिक इडीमा का टाइप है। फिर उसके बाद इन्फ्लामेटरी इडीमा, जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पे ही इन्फ्लामेटरी इडीमा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद है एलर्जिक इडीमा। एलर्जिक इडीमा जनरली फेस और थ्रोट वाले रीजन में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आते हैं जनरलाइज्ड इडीमा के टाइप्स। जनरलाइज्ड इडीमा में सबसे पहला है रीनल इडीमा, कार्डियक इडीमा एंड न्यूट्रिशनल इडीमा। इसका भी निमोनिक है ग्रकैन। जी फॉर जनरलाइज इडीमा, आर फॉर रीनल इडीमा एंड CA फॉर कार्डियक इडीमा एंड N फॉर न्यूट्रिशनल इडीमा। फिर उसके बाद आता है ट्रांसयूडेट या फिर एक्सयूडेट। जब भी किसी एरिया में या फिर कहीं पर इडीमा हो रहा है और उसका रीज़न है वैस्क्यूलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होना या फिर जो कैपिलरीज की परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और उसके कारण इडीमा होता है तो हमेशा वो एक्सयूडेट इडीमा होता है। इसे हम इन्फ्लामेटरी इडीमा भी कहते हैं क्योंकि इन्फ्लामेशन के केस में कैपिलरीज की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करती है और फ्री फ्लूइड कैपिलरीज से निकलकर बाहर आता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में और एक्सयूडेट इडीमा फॉर्म करता है। तो इसे हम लर्न कर सकते हैं EP से। EP एक्सयूडेट मतलब परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होना। और ट्रांसयूडेट इडीमा में क्या होता है, कैपिलरी परमिएबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आते, कैपिलरी परमिएबिलिटी के अलावा कोई भी रीज़न है तो वो आएगा ट्रांसयूडेट इडीमा में। जैसे अगर कैपिलरीज का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो गया या फिर इंटरस्टीशियल फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो गया जिसके कारण इडीमा देखने को मिल रहा है तो वो सब किस में आएगा, ट्रांसयूडेट इडीमा में। और ये क्या होता है, ट्रांसयूडेट नॉन इन्फ्लामेटरी इडीमा, एडिमा ऑफ कार्डियक और रीनल डिजीज़। कार्डियक या फिर रीनल डिजीज़ में हमें ट्रांसयूडेट टाइप का एडिमा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा, मतलब एडिमा होता कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है। अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में देखें, ये कैपिलरी है रेड कलर की और कैपिलरी में ये वाला जो एंड है ये आर्टियोलर एंड है, फिर उसके बाद दूसरा एंड है वेन्योलर एंड। तो आर्टियोलर एंड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है 32 mmHg और वेन्योलर एंड पे है 12 mmHg और जो कैपिलरी का ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर है वो है 25 mmHg। फिर उसके बाद अगर हम इंटरस्टीशियम की बात करें, इंटरस्टीशियम में टिश्यू टेंशन मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 4 mmHg है और ऑस्मोटिक प्रेशर 8 mmHg है। तो क्योंकि इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर इससे ज़्यादा होता है, बट नेट अगर हम कैपिलरीज का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेयर करें तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है कैपिलरीज का, तो
जो फ्लूइड होता है वो कैपिलरीज से निकलकर बाहर सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है जिसे हम इंटरस्टीशियल स्पेस कहते हैं उसमें जाता है और नॉर्मल कंडीशंस में लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है. लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू जो वो एक्सेसिव फ्लूइड आता है वो ड्रेन हो जाता है. तो इस कंडीशन में कोई भी एडिमा देखने को नहीं मिलता, ये हो जाती है नो एडिमा की कंडीशन. फिर उसके बाद है अगर प्लाज्मा का ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज कर गया, मतलब ये जो कैपिलरीज हैं इनका ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. अब मैं एक सिचुएशन बताती हूँ, जैसे सपोज़ दो पाइप्स हैं जिनमें हमने बहुत सारे होल कर दिए छोटे छोटे. एक पाइप में से हम रन करा रहे हैं नॉर्मल टैप वाटर और एक पाइप में से हम रन करवा रहे हैं मडी वाटर या फिर ऐसा पानी जिसमें मिट्टी है ना. तो क्या होगा, जो नॉर्मल टैप वाटर रन कर रहा है वो इजीली बाहर आ जाएगा उन होल्स में से, बहुत फ्लो के साथ आएगा, बहुत प्रेशर के साथ बाहर निकल कर आएगा. लेकिन जिसमें मड है, जिसमें मिट्टी है, उसमें इजीली पानी बाहर नहीं आ पाएगा उस पाइप से, क्योंकि उसमें मड प्रेजेंट है और मड सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा जो उस पानी को, वाटर को होल्ड करने की कोशिश करेगा और बाहर नहीं जाने देगा. वो एक ऑन्कोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करेगा. तो जो वाटर अप्लाई करती है या फिर अगर हम ब्लड के केस में देखें, कैपिलरीज के केस में देखें, तो जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अप्लाई करता है. लेकिन जो ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन्स है स्पेशली एल्ब्यूमिन, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है साइज़ में, वो ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करता है जो ब्लड के प्लाज्मा को होल्ड करके रखता है. जैसे कि पाइप में मड जो थी वो होल्ड करके रख रही थी पानी को, उसी तरीके से कैपिलरीज में भी प्रोटीन्स जो होते हैं वो होल्ड करके रखते हैं. फाइन, तो अब जब ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो कैपिलरीज में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी वो प्लाज्मा को होल्ड करके रखे. तो प्लाज्मा बाहर निकलेगा, एक्सेसिव फ्लूइड अकमलेट होगा इंटरस्टीशियल टिश्यू स्पेसेस में और वो क्या होगा, एडिमा की कंडीशन. फिर उसके बाद है अगर कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है कैपिलरीज का वो इंक्रीज कर रहा है. तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा, तो वैसे भी एडिमा हो जाएगा, इधर फ्लूइड अकमलेट करेगा और एडिमा हो जाएगा. फिर उसके बाद थर्ड कंडीशन आती है अगर लिम्फेटिक फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो लिम्फेटिक सिस्टम था उसमें कोई रुकावट आ गई, कोई ब्लॉकेज आ गई जिसके थ्रू लिम्फेटिक फ्लूइड जो है वो प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पा रहा. तो नॉर्मल कंडीशंस में भी जैसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मल है और इंटरस्टीशियम का भी सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी जो फ्लूइड होगा वो ड्रेन नहीं हो पाएगा और उस कंडीशन में एडिमा हो जाएगा. फिर उसके बाद आते हैं टिश्यू फैक्टर्स. टिश्यू फैक्टर्स का मतलब है जब इंटरस्टीशियल टिश्यू फ्लूइड जो है उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं. जैसे इंटरस्टीशियल टिश्यू फ्लूइड में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करता, जो फ्री फ्लूइड आ रहा है उसको अपोज करता, उसको कैपिलरीज में दोबारा भेजने की उसकी टेंडेंसी होती. और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता, ऑस्मोटिक प्रेशर खींचता है कि हाँ फ्री फ्लूइड इधर आ बाहर आ, तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है या फिर टिश्यू टेंशन डिक्रीज़ कर जाता है. तो उस कंडीशन में भी इधर फ्री फ्लूइड अकमलेट हो जाता है और एडिमा की कंडीशंस देखने को मिलती है. फाइन, फिर उसके बाद आता है इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी. अगर कैपिलरी की परमिएबिलिटी ही इंक्रीज़ कर गई तो फ्लूइड ईजीली बाहर चला जाएगा और उस कंडीशन में भी अपन को एडिमा देखने को मिलेगा. ये हुई ये सारी कंडीशंस. लास्ट एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं सोडियम एंड वाटर रिटेंशन. उसमें क्या होता है, सोडियम और वाटर रिटेंशन के कारण भी एडिमा देखने को मिलता है. सबसे पहले अगर हाइपोवोलेमिया हो रहा है, हाइपोवोलेमिया हो रहा है इसका मतलब क्या है, जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो रहा है. ब्लड का वॉल्यूम कम होता है तो वो तीन मैकेनिज्म स्टिम्युलेट करता है, एक ADH मैकेनिज्म, एक इंट्रिंसिक रीनल मैकेनिज्म और एक एक्स्ट्रा रीनल हार्मोनल मैकेनिज्म. तो सबसे पहले ADH मैकेनिज्म, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है जिसके कारण रिटेंशन ऑफ वाटर होता है और वो फाइनली एडिमा कॉज करता है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करा देता है क्योंकि वाटर का कंटेंट ब्लड में इंक्रीज कर रहा है. फिर सेकंड है इंट्रिंसिक रीनल मैकेनिज्म. इसमें क्या होता है, जब हाइपोवोलेमिया होता है ब्लड में
वॉल्यूम कम होता है, ब्लड का प्रेशर डिक्रीज़ करता है, तो बैरोसेप्टर्स जो कैरोटिड साइनस में या आयोटिक आर्च में प्रेजेंट है, तो जो बैरोसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड साइनस में और आयोटिक आर्च में, बैरो मतलब प्रेशर को जो वो मेजर करते हैं, तो वो स्टिम्युलेट हो जाते हैं, वो इम्पल्सेस लेकर जाते हैं वेजोमोटर सेंटर तक, फिर उधर से सिंपथेटिक आउटफ्लो होता है, उसके कारण रीनल इशेमिया हो जाता है, मतलब किडनी में ब्लड कम जाता है, जिसके कारण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाती है, और फाइनली क्योंकि GFR डिक्रीज़ हो रही है तो सोडियम का रिटेंशन होता है, सोडियम का एक्सक्रीशन कम हो जाता है, और सोडियम और वाटर दोनों का रिटेंशन होता है, तो इसके कारण इडीमा होता है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। फिर थर्ड मैकेनिज्म होता है एक्स्ट्रा रीनल हार्मोनल मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, रीनल इशेमिया हो रहा था तो जो सोडियम का कंटेंट है वो रीनल ट्यूब्यूल्स में कम होता है और रेनिन डिटेक्ट करता है, फिर उसके बाद रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है, फाइनली ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करती है और एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से, और इसके कारण भी सोडियम और वाटर रिटेंशन देखने को मिलता है, जिसके कारण फाइनली इडीमा हो जाता है और ब्लड प्रेशर हो जाता है। फाइन, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि इडीमा किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा इडीमा दो जगह अकमलेट हो सकता है, या तो सिरस कैविटीज़ में, अगर सिरस कैविटीज़ में हो रहा है तो उसे इफ्ल्यूजन कहते हैं। तीन तरीके के हमने इफ्ल्यूजन पढ़े थे, सबसे पहले पेरिटोनियल कैविटी में, फिर उसके बाद प्लूरल कैविटी में, फिर उसके बाद पेरिकार्डियल कैविटी में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अगर इडीमा किस में अकमलेट कर रहा है, इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस में अकमलेट कर रहा है, तो उसे हम इडीमा बोलते हैं, और वो पिटिंग या नॉन पिटिंग टाइप का होता है, या फिर एक्सुडेट या फिर ट्रांसुडेट होता है, या फिर लोकलाइज्ड और जनरलाइज होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पैथोजेनेसिस ऑफ इडीमा, जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, फिर उसके बाद अगर कैपिलरीज का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है तो उसके कारण इडीमा देखने को मिलता है, या फिर कैपिलरीज का ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ करता है तो उसमें भी हमें इडीमा देखने को मिलता है, या फिर लिम्फेटिक आउटफ्लो जो हो रहा था वो ब्लॉक हो जाता है, या फिर टिश्यू फैक्टर्स जो थे, टिश्यू फैक्टर्स मतलब जो इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड था उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, तो फिर उसके कारण भी इडीमा होता है और कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है, तब भी इडीमा देखने को मिलता है। और लास्ट हमने पढ़ा था सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, जिसके तीन मैकेनिज्म थे, ADH मैकेनिज्म, इंट्रिंसिक रीनल मैकेनिज्म एंड एक्स्ट्रा रीनल हार्मोनल मैकेनिज्म। अब हम पढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इडीमा, इडीमा किस किस टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली ये 7 टाइप्स के हैं, रीनल इडीमा, कार्डियक इडीमा, पल्मोनरी इडीमा, सेरेब्रल इडीमा एंड हेपेटिक, न्यूट्रिशनल एंड मिक्स इडीमा। सबसे पहला है रीनल इडीमा। रीनल इडीमा जो होता है ये 3 केसेस में देखने को मिलता है, या तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, या फिर अक्यूट ट्यूब्यूलर इंजरी हुई है जिसके कारण रीनल फेलियर हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेफ्रोटिक इडीमा की। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो इडीमा होता है वो नेफ्रोटिक इडीमा होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अगर हम नेफ्रोटिक नाम देखें तो इसमें PRO आता है, PRO मतलब प्रोटीन, मतलब कुछ नहीं है बट हाँ हम इससे लर्न कर सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यूरिन में प्रोटीन पास होता है, और जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है उसमें यूरिन में ब्लड पास होता है, ये इनका मेजर डिफरेंस है। तो नेफ्रोटिक में प्रोटीन पास होता है, इसको हम PRO से लर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोटीन अगर यूरिन में एक्सेस अमाउंट में पास हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिन यूरिया। एल्ब्यूमिन इसलिए क्योंकि प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन में जो सबसे ज़्यादा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो एल्ब्यूमिन होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लार्ज होता है। फाइन, तो उसके बाद जब यूरिन में ज़्यादा पास करेगा तो ब्लड में उसकी कमी हो जाएगी, मतलब हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया हो जाएगा, और एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा तो वो ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा नहीं लगा पाएगा, तो प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, और वो जो कैपिलरीज में ऑनकोटिक प्रेशर क्या करता था, प्लाज्मा के फ्लूइड को होल्ड करके रखता था, वो होल्ड भी नहीं कर पाएगा, फ्री फ्लूइड बाहर निकलेगा, प्लाज्मा नहीं मतलब फ्री फ्लूइड बाहर निकलेगा, जिसके कारण इडीमा देखने को मिलेगा। और रीनल इडीमा के केस में क्या होता है, जनरलाइज्ड इडीमा। फाइन, फिर उसके बाद
अब कैपिलरीज में सबसे पहले क्या हुआ, प्रोटीन्स की कमी हुई, प्लाज्मा प्रोटीन्स की, क्योंकि वो यूरिन में जाने लग गए। फिर उसके बाद इडीमा हुआ, प्रोटीन्स की कमी हुई तो फिर जो उसमें फ्लूइड था वो भी बाहर निकल के चला गया। अब प्रोटीन तो गए थे, फ्लूइड भी अगर कैपिलरीज में कम हो गया, वेसल्स में कम हो गया, तो क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा ब्लड वेसल्स का, कैपिलरीज का। तो उसके बाद RAS मैकेनिज्म वो स्टिम्यूलेट करेगा, जिसके कारण सोडियम और वाटर रिटेंशन होगा, और फाइनली इडीमा और ज़्यादा एग्रोवेट होगा, इडीमा इंक्रीज होगा, और RAS मैकेनिज्म तो हमने पढ़ा ही है। फिर उसके बाद होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो इडीमा बनता है, इडीमा फ्लूइड का प्रोटीन कंटेंट हाई होता है और ये ज़्यादा सिवियर होता है, और ये कहाँ देखने को मिलता है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज में और विसरल ऑर्गन्स में। फाइन, अब हम बात करते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम की। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या होता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो थी उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड होता है वो निकलकर रीनल ट्यूब्यूल्स में एंटर कर जाता है, और रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या प्रेजेंट था, फिल्ट्रेट, तो फिल्ट्रेट में अगर ब्लड आ रहा है तो वो यूरिन में पास होगा, तो ब्लड पास होता है यूरिन में, इस कंडीशन को हम कहते हैं हीमाच्यूरिया। फिर उसके बाद ब्लड पास हो रहा है मतलब यूरिन का आउटपुट कम हो गया, ओलिग्यूरिया जिस कंडीशन को हम कहते हैं, और इसके कारण सोडियम और वाटर रिटेंशन हो जाता है फिर, और इडीमा हो जाता है। अब आप लोग बोलोगे कि जब ब्लड पास हो रहा है फिल्ट्रेट में या यूरिन में, तो ब्लड के साथ साथ प्रोटीन्स भी, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स थे वो भी तो पास हो रहे हैं, तो मतलब प्लाज्मा का जो ऑनकोटिक प्रेशर था वो भी कम हो जाना चाहिए था, उसके कारण होना चाहिए था इडीमा, पर नहीं, ऐसा नहीं होता, ब्लड इतना ज़्यादा पास नहीं करता, पास करता है बट इतना भी नहीं कि उसके जो प्रोटीन्स है, प्लाज्मा प्रोटीन है, उनका कंसंट्रेशन ब्लड में बॉडी के अंदर कम हो जाए, तो इसमें लो एल्ब्यूमिन एरिया होता है, होता है एल्ब्यूमिन यूरिया बट लो एल्ब्यूमिन यूरिया होता है, जिसके कारण इसमें इडीमा देखने को मिलता है बट हाइपोप्रोटीनेमिया के कारण नहीं देखने को मिलता, और इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि RAS मैकेनिज्म स्टिम्यूलेट हो रहा था। ठीक है, ब्लड यूरिन से पास किया, ओलिग्यूरिया हुआ, RAS मैकेनिज्म स्टिम्यूलेट हुआ, और सोडियम और वाटर का रिटेंशन इंक्रीज हो गया, जिसके कारण इडीमा देखने को मिला। और RAS मैकेनिज्म क्यों हुआ था, क्योंकि क्योंकि ब्लड यूरिन में से पास कर रहा है, हाइपोवॉलेमिया हो जाता है ब्लड में, और हाइपोवॉलेमिया हो रहा है तो RAS मैकेनिज्म स्टिम्यूलेट हो जाता है। नाउ लेट अस रीड इट आउट। इन कंट्रास्ट टू नेफ्रोटिक इडीमा, नेफ्राइटिक इडीमा इज प्राइमरीली नॉट ड्यू टू हाइपोप्रोटीनेमिया बिकॉज ऑफ लो एल्ब्यूमिन यूरिया। ये हाइपोप्रोटीनेमिया के कारण नहीं होता नेफ्रोटिक इडीमा, क्योंकि इसमें जो यूरिन में एल्ब्यूमिन है वो कम पास करता है, बट इट इज़ लार्जली ड्यू टू एक्सेसिव सोडियम एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्यूल्स वाया RAS मैकेनिज्म। और इसमें जो इडीमा फ्लूइड में प्रोटीन होता है वो कम होता है, नेफ्रोटिक में ज़्यादा होता है, और इसमें इडीमा माइल्ड होता है, और नेफ्रोटिक इडीमा में हमें कहाँ देखने को मिल रहा था, एक तो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में और एक देखने को मिल रहा था विसरल ऑर्गन्स में, लेकिन नेफ्राइटिक सिंड्रोम के केस में इडीमा देखने को मिलता है लूज टिश्यूज़ में, फेस, आइज, एंकल्स, जेनिटेलिया, ऐसी जगहों पर। इडीमा इन दीज कंडीशन इज यूजुअली नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी अनलाइक कार्डियक इडीमा। कार्डियक इडीमा जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस किस तरीके से होता है। फिर उसके बाद इडीमा इन अक्यूट ट्यूब्यूलर इंजरी, जब रीनल ट्यूब्यूल्स में कोई इंजरी हो जाती है तो क्या होता है, जो रीनल ट्यूब्यूल्स थी उनकी परमिएबिलिटी कम हो जाती है, तो ईजीली ट्यूब्यूल्स में से जो फिल्ट्रेट था ट्यूब्यूल्स में से ईजीली बाहर निकलने लग जाता है वाटर और सोडियम, तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन इंक्रीज होता है और जो फिल्ट्रेट होता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। अक्यूट ट्यूब्यूलर इंजरी फॉलोइंग शॉक और टॉक्सिक केमिकल्स, किसी शॉक या फिर टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से इंजरी जब हो जाती है रीनल ट्यूब्यूल्स में, रिजल्ट इन ग्रॉस इडीमा ऑफ बॉडी, डैमेज ट्यूब्यूल्स लॉस देयर कैपेसिटी फॉर सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, बिकॉज देयर इज
एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि वो ज़्यादा रिटेन हो रहे हैं, फिल्ट्रेट में ज़्यादा पास नहीं कर रहा वाटर और सोडियम, तो इसलिए कंसनट्रेटेड यूरिन पास होता है एंड इट रिजल्ट्स इन ओलिग यूरिया. आउटपुट भी ऑब्वियसली डिक्रीज होगा क्योंकि वाटर का रिटेंशन हो रहा है. बिसाइड्स देयर इज राइज इन ब्लड यूरिया. हीमाच्यूरिया भी देखने को मिलता है क्योंकि अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी हो रही है. जब इंजरी हो रही है ट्यूब्यूल्स में तो ब्लड भी तो फिल्ट्रेट में आ रहा है, तो वो भी यूरिन के थ्रू पास होता है. फिर उसके बाद सेकेंड टाइप है कार्डियक एडीमा. कार्डियक एडीमा जनरलाइज्ड एडीमा है और ये तब देखने को मिलता है जब राइट साइड का हार्ट फेलियर हो रहा है या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है. जब कंजेस्टिव कार्डियक डिजीज़ होती है या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होती है तो तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं. सबसे पहले होता है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होना, क्रॉनिक हाइपोक्सिया होना, और तीसरा होता है सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज होना. तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाता, तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा जिसके कारण हाइपोवोलेमिया होगा. जो कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें ब्लड का वॉल्यूम कम होगा और वो तीन मैकेनिज्म स्टिम्युलेट करेगा. ये सब हमने पढ़ा है, ADH मैकेनिज्म, इंट्रिंसिक रीनल, एक्स्ट्रा रीनल मैकेनिज्म, जिसके कारण सोडियम और वाटर रिटेंशन होगा और फिर उसके बाद कार्डियक एडीमा होगा, स्वेलिंग हो जाएगी जनरलाइज्ड वे में. फिर उसके बाद जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी, मतलब क्रोनिक हाइपोक्सिक कंडीशन होगी, जिसके कारण जो कैपिलरी की एंडोथीलियम होती है वो डैमेज हो जाएगी हाइपोक्सिक कंडीशन में, मतलब इंजरी टू कैपिलरी एंडोथीलियम. फिर उसके बाद कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि जो वॉल है वो तो डैमेज हो गई और इसके कारण फ्लूइड बाहर निकल कर जाएगा और इसे अपन कहते हैं फॉरवर्ड प्रेशर हाइपोथेसिस, जिसमें कार्डियक एडीमा होता है. फिर तीसरा होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बैक प्रेशर हाइपोथेसिस या फिर इंक्रीमेंट ऑफ सेंट्रल वीनस प्रेशर. सेंट्रल वीनस प्रेशर मतलब जो प्रेशर वीना केवा में होता है वो इंक्रीज हो जाता है. अब वो इंक्रीज़ क्यों होता है, अभी हमने पढ़ा कि कार्डियक एडीमा में राइट साइड हार्ट फेलियर होता है, मतलब राइट साइड मतलब यहाँ पे जब राइट साइड हार्ट फेलियर होगा तो ब्लड इजीली किस में पंप नहीं हो पाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में. जो ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल्स उसको पल्मोनरी आर्टरी में पंप नहीं कर पाएंगे, मतलब ब्लड आर्टेरियल सर्कुलेशन में एंटर नहीं हो पाएगा अच्छे से और ब्लड का बैक फ्लो होगा. ब्लड का बैक फ्लो किस में होगा, वीना केवा में. तो जब बैक फ्लो होगा तो वो वीना केवा में प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आर्टेरियल सर्कुलेशन में जो पल्मोनरी आर्टरी थी उसमें प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं हो पाएगा. अब प्रेशर इंक्रीज होगा CVP, तो उसके कारण क्या होगा, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी इंक्रीज करेगा और फिर उसके बाद फ्लूइड बाहर निकल कर आएगा, जिसके कारण कार्डियक एडीमा देखने को मिलेगा. वीनस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू बैकवर्ड टू द वीनस एंड ऑफ कैपिलरीज एंड इट इज़ नोन एज बैक प्रेशर हाइपोथेसिस. अब कार्डियक एडीमा में क्या होता है, ये ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होता है. कार्डियक एडीमा इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई ग्रेविटी एंड इज दस कैरेक्टरिस्टिकली डिपेंडेंट एडीमा. एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो मूव कर रहे हैं उनमें एडीमा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में देखने को मिलता है, लेकिन जो रिकमेंड पेशेंट्स होते हैं, मतलब जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, उधर उनके में सेक्रल या फिर जेनाइटल एरियाज़ में एडीमा देखने को मिलता है. फिर उसके बाद अकमलेशन ऑफ फ्लूइड में ऑल्सो अकर इन सीरस कैविटीज़. ये वो कार्डियक एडीमा. फिर उसके बाद थर्ड है पल्मोनरी एडीमा. पल्मोनरी एडीमा बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग एडीमा है. ये पल्मोनरी एडीमा और सेरेब्रल एडीमा दो ऐसे एडीमा है जो लाइफ थ्रेटनिंग है क्योंकि इसमें सीरियस फंक्शनल इम्पेयरमेंट होता है. अक्यूट पल्मोनरी एडीमा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लोकल एडीमा एज इट कॉजेज सीरियस फंक्शनल इम्पेयरमेंट. हाउएवर इट हैज़ ऑल्सो स्पेशल फीचर्स एंड डिफर फ्रॉम एडीमा एल्सवेयर इन दैट द फ्लूइड अकमलेशन इज नॉट ओनली इन द टिश्यू स्पेसेस बट ऑल्सो इन पल्मोनरी एल्वियोलाय. इसमें टिश्यू स्पेसेस में तो एडीमा अकमलेट होता ही होता है, उसके साथ साथ पल्मोनरी एल्वियोलाय में भी फ्लूइड अकमलेट होता है, जो इसको और ज़्यादा सिवियर बना देता है. अब इसके तीन कॉजेज होते हैं,
सबसे पहला है पल्मोनरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होना, इसे हम हीमोडायनेमिक इडीमा भी कहते हैं, हीम क्योंकि ब्लड और डायनेमिक मतलब प्रेशर या फिर वेलोसिटी से रिलेटेड, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, पल्मोनरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हम इसे हीमोडायनेमिक इडीमा भी बोलते हैं। अब क्या हुआ, हार्ट फेलियर हुआ। पल्मोनरी इडीमा तब होता है जब लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हो रहा है, और जो हमने कार्डियक इडीमा पढ़ा था वो तब होता है जब राइट साइड का हार्ट फेलियर हो रहा है। तो जब हार्ट फेलियर होता है तो पल्मोनरी वेन्स में प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। अब वो क्यों होता है, अब अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें, लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट वेंट्रिकल अच्छे से अगर ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, लेफ़्ट साइड में कोई हार्ट फेलियर हो जाएगा, कोई कंडीशन हो जाएगी जिसमें लेफ़्ट साइड में प्रॉब्लम होगी, तो क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स पे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, लोड बढ़ जाएगा, तो इसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा हार्ट को, तो पल्मोनरी वेन्स में प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। मतलब जो कार्डियक एडीमा होता है उसमें तो वीना केवा में प्रेशर इंक्रीज़ करता है, और जो पल्मोनरी एडीमा होता है उसमें पल्मोनरी वेन्स में प्रेशर इंक्रीज़ करता है। फाइन, तो अब इन हार्ट फेलियर प्रेशर इन पल्मोनरी वेन्स इंक्रीजेस, मतलब पल्मोनरी कैपिलरीज में भी प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है। अब पल्मोनरी कैपिलरीज में इंक्रीज़ कर रहा है तो जो एक्सेसिव फ्लूइड होता है वो लंग्स के इंटरस्टीशियम में बाहर निकल कर आता है, और फिर उसके बाद जो पल्मोनरी कैपिलरी की एंडोथीलियम होती है वो भी कुछ फेनेस्ट्रेशंस, होल लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लेते हैं, जिसके कारण प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स होते हैं और फ्लूइड होते हैं ये इंटरस्टीशियम में, लंग के इंटरस्टीशियम में बाहर निकल कर आने लग जाते हैं, और एक्सेसिव फ्लूइड अकमलेट करने लग जाता है इंटरस्टीशियम में, जिसे हम कहते हैं इंटरस्टीशियल इडीमा। फिर उसके बाद वो जो फ्लूइड होता है वो किसके सराउंडिंग प्रेजेंट है, एल्वियोलाई के प्रेजेंट सराउंडिंग प्रेजेंट है, तो जो एल्वियोलर वॉल्स होती हैं वो भी थिक हो जाती हैं, और गैशियस एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं हो पाता। फिर जैसे जैसे अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पल्मोनरी वेन्स में डिक्रीज़ नहीं हो रहा और इंक्रीज्ड ही है, तो उसके कारण क्या होगा, जो इंटरस्टीशियल इडीमा हो रखा है उसमें भी प्रेशर इंक्रीज़ करने लगेगा, तो अल्टीमेटली एल्वियोलर लाइनिंग सेल्स ब्रेक एंड एल्वियोलर एयर स्पेसेस आर फ्लडेड विथ फ्लूइड, तो अल्टीमेटली एल्वियोलर लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी और एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड अकमलेट हो जाएंगे, और एल्वियोलाई के अंदर जो एयर थी वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगी, और इसके कारण लंग फंक्शन बहुत ज़्यादा सिवियरली हैम्पर हो जाएगा, जो इसको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ बनाता है। अब इसका एग्जाम्पल्स क्या है, लेफ्ट हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर में पल्मोनरी वेन्स में प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। फिर उसके बाद माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल स्टेनोसिस मतलब जो बाइकस्पिड वॉल्स होती हैं या माइट्रल वॉल्स जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती हैं वो उनकी नैरोइंग हो जाती है, जिसके कारण भी ये देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगर कोई कार्डियक सर्जरी है तो उसमें भी पल्मोनरी एडीमा देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर इंक्रीज़ हो रहा है, तो सेकंड है अगर वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है मतलब वेस्क्यूलर एंडोथीलियम या फिर जो एल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो रही है। अब वो डैमेज किस रीज़न की वजह से हो सकती है, या तो कोई टॉक्सिक है या फिर फल्मिनेंट पल्मोनरी या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्फेक्शन है। फल्मिनेंट पल्मोनरी मतलब, फल्मिनेंट का मतलब होता है सडन या फिर सिवियर इन ऑनसेट, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब पल्मोनरी या फिर लंग्स के बाहर अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है जिसके कारण वेस्क्यूलर एंडोथीलियम या फिर एल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, या फिर हमने कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनहेल कर लिए जिसके कारण मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है और परमिएबिलिटी इंक्रीज कर रही है, फ्लूइड और प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं बाहर की तरफ लीक आउट हो रहे हैं और इंटरस्टीशियम में अकमलेट कर रहे हैं और फिर फाइनली एल्वियोलाई में अकमलेट कर रहे हैं, तो ये क्या कॉज करेगा, पल्मोनरी एडीमा। फिर थर्ड कॉज है अक्यूट हाई एल्टीट्यूड एडीमा। अगर हम विदाउट एनी स्टॉप लगातार अगर हम क्लाइंब कर रहे हैं 2500 मीटर लगातार अगर हम क्लाइंब कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जब हम इतना सारा क्लाइंब कर लेते हैं एनॉक्सिक कंडीशंस प्रोड्यूस हो जाती है,
एक्लिमेटाइजेशन नहीं हो पाता अगर हम बिना किसी रुके हुए अगर लगातार हम क्लाइंब कर रहे हैं, तो एनॉक्सिक कंडीशंस में जो पल्मोनरी वेसल्स होती हैं ये डैमेज हो जाती है और पल्मोनरी इडिमा देखने को मिलता है, प्लस कंजेशन और हैमरेज भी देखने को मिलता है पल्मोनरी इडिमा के साथ। तो ये तो हुआ पल्मोनरी इडिमा। फिर उसके बाद है सेरेब्रल इडिमा, जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ थ्रेटनिंग इडिमा है। सेरेब्रल इडिमा और स्वेलिंग ऑफ ब्रेन इज मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग एग्जाम्पल ऑफ इडिमा। द मैकेनिज्म ऑफ फ्लूइड एक्सचेंज इन ब्रेन डिफर्स फ्रॉम एल्सवेयर इन बॉडी सिंस देयर आर नो ड्रेनिंग लिम्फैटिक्स इन ब्रेन। जो भी होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू होता है, क्योंकि उधर ब्रेन में कोई भी लिम्फैटिक्स प्रेजेंट नहीं होते। बट इंस्टेड द फंक्शन ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एक्सचेंज इज परफॉर्म बाय ब्लड ब्रेन बैरियर लोकेटेड एट एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज। इसके तीन टाइप होते हैं, वेजोजेनिक, साइटोटॉक्सिक एंड इंटरस्टिशियल। वेजोजेनिक में क्या होता है, जो कैपिलरी की परमिएबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, या फिर फिल्ट्रेशन प्रेशर मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, जिसके कारण इडिमा देखने को मिलता है। और इसके एग्जांपल है सेरिब्रल कॉन्ट्यूशंस। सेरिब्रल कॉन्ट्यूशंस मतलब ब्रेन में कोई ट्रोमैटिक इंजरी हो रही है जिसके कारण माइक्रो हेमरेजेस देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे। माइक्रो हेमरेजेस मतलब इंजरी हुई ब्रेन में और जो स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थी ब्रेन में वो सब लीक हो रही हैं, और ब्रेन में जो टिश्यू प्रेजेंट है उसमें उसका ब्लड निकल कर आ रहा है, तो इसे हम माइक्रो हेमरेजेस कहते हैं। तो जब ट्रॉमेटिक इंजरी होती है या फिर हम कह सकते हैं कॉन्ट्यूशंस होते हैं, सेरेब्रल कॉन्ट्यूशंस, तो उसमें वेसोजेनिक एडिमा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है इन्फार्क्ट्स। इन्फार्क्ट मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है जिसके कारण नेक्रोसिस हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं ब्रेन सेल की डेथ हो रही है, उसमें भी हमें देखने को मिलेगा वेसोजेनिक एडिमा। फिर उसके बाद होता है अगर ब्रेन एब्सेस हो रहा है, पस अकमलेट हो रहा है, या फिर ट्यूमर हो रहा है, उसमें भी वेसोजेनिक एडिमा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है साइटोटॉक्सिक एडिमा। अगर इंट्रासेल्युलर एडिमा है तो उसे हम साइटोटॉक्सिक एडिमा कहते हैं, अगर फ्लूइड अकमलेट हो रहा है सेल्स के इनसाइड। अब ये क्यों होता है, ये होता है क्योंकि सेल्स के अंदर जो ऑस्मोरेगुलेशन हो रहा था उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, और वो किन किन कारणों की वजह से हो सकता है, या तो कोई मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट हो गया, या फिर हाइपोक्सिक कंडीशन हो गई, या फिर कोई टॉक्सिक केमिकल्स के कारण जो ऑस्मोरेगुलेशन है सेल्स के इनसाइड वो हैम्पर हो गया, उसके कारण हमें इंट्रासेल्युलर या फिर साइटोटॉक्सिक एडिमा देखने को मिलेगा। प्यूरुलेंट मेनिनजाइटिस एक ऐसा केस है जिसमें वेजोजेनिक और साइटोटॉक्सिक सेरेब्रल एडिमा दोनों देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है इंटरस्टीशियल एडिमा। इसमें क्या होता है, जो फ्री फ्लूइड होता है वो वेंट्रिकल्स की एपेंडाइमल लाइनिंग को क्रॉस करता है और पेरीवेंट्रिकुलर वाइट मैटर में एंटर करता है और उधर अकुमुलेट कर जाता है, तो इसे हम कहते हैं इंटरस्टीशियल एडिमा। फॉर एग्जांपल एडिमा इन नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। फिर फिफ्थ है हेपेटिक एडिमा। हेपेटिक एडिमा क्यों होता है, या तो सिरोसिस ऑफ लिवर या फिर क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो रही है, मतलब हेपेटाइटिस हो रहा है, या फिर क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज़ है, मतलब काफ़ी टाइम से अगर अल्कोहल का कंजम्पशन हो रहा है तो उसके कारण भी हो सकता है हेपेटिक एडिमा। हेपेटिक एडिमा में चार ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण ही एडिमा देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है हाइपोप्रोटीनेमिया। हाइपोप्रोटीनेमिया इसलिए क्योंकि लिवर डिजीज़ लिवर जो होता है वो प्रोटीन्स का सिंथेसिस नहीं कर पाता, और जो प्रोटीन का अमाउंट होता है ब्लड में वो कम हो जाता है ड्यू टू इम्पेयर्ड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय डिजीज़ लिवर। तो सबसे पहला क्या हुआ, हाइपोप्रोटीनेमिया, जिसके कारण एडिमा देखने को हमें मिलेगा, फाइन। फिर उसके बाद होता है पोर्टल हाइपरटेंशन। अब क्या होता है, सिरोसिस में, इन सिरोसिस स्कार टिश्यू ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द लिवर। सिरोसिस की कंडीशन में लिवर में ब्लड फ्लो जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता, कम आता है। तो जो पोर्टल वेन्स होती हैं जो लिवर को ब्लड सप्लाई करती है उनमें प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब वीनस प्रेशर जो है पोर्टल वेन्स में वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब वीनस प्रेशर इन एब्डोमेन बेसिकली इंक्रीज़ हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है जिसके कारण एडिमा देखने को मिलता है, फाइन। फिर थर्ड रीज़न है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। क्योंकि लिवर डैमेज हो, डिजीज़ हो गई लिवर में,
तो जो एडोस्टेरोन है वो भी इनएक्टिवेट नहीं हो पाता और उसके कारण इडीमा होता है रास मैकेनिज्म के थ्रू। फिर उसके बाद सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, रास मैकेनिज्म स्टिम्युलेट होता है क्यों? अब जब लिवर में डिजीज़ होती है तो जो रीनल आर्टरी होती है उसमें प्रेशर भी कम हो जाता है और वो नैरो हो जाती है, तो किडनी में जो ब्लड जाता है वो कम होता है, रीनल इशेमिया होता है, जिसके कारण रास मैकेनिज्म स्टिम्युलेट होता है और इडीमा प्रोड्यूस करवाता है। तो फोर कौन कौन से रीज़न हुए? हाइपोप्रोटीनेमिया, पोर्टल हाइपरटेंशन, हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म एंड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। फिर उसके बाद लेग्स में और एब्डोमेन रीजन में इडीमा देखने को मिलता है। दिस मैकेनिज्म कॉजेज इडीमा ऑफ लेग्स एंड एसाइड्स इन एब्डोमेन। एसाइड्स हमने पहले भी पढ़ा था, अकमलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी कॉजिंग एब्डोमिनल स्वेलिंग, फाइन। फिर उसके बाद है न्यूट्रिशनल इडीमा। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है या फिर एक्सेसिव कंजम्पशन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, तो उसके कारण भी इडीमा हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी किन किन केसेस में होती है? जैसे कि क्वाशोर्कर हो गया, या फिर बहुत टाइम से स्टारवेशन पे हैं, या फिर फेमाइंस फीमेल्स में जनरली देखने को मिलता है क्योंकि इनकी डाइट थोड़ी कम होती है, तो हो सकता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही हो, या फिर बहुत लंबे टाइम से कंटिन्यूस फास्टिंग चल रही है तो उसके कारण भी प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर उसके बाद है विटामिन डेफिशिएंसी, जैसे कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है बेरी बेरी में, तो ये भी एक न्यूट्रिशनल इडीमा कॉज करता है। फिर उसके बाद थर्ड है क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। अब डेफिशिएंसी के बाद किसकी हुई? एक्सेसिव की बात। अगर एल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो रहा है तो इसके कारण लेग्स में इडीमा देखने को मिलता है, और अगर बहुत ज़्यादा एल्कोहलिज्म हो रहा है तो फिर जनरलाइज्ड वे में हमें इडीमा देखने को मिलता है। मेन कॉजेस क्या है न्यूट्रिशनल इडीमा की? हाइपोप्रोटीन एमिया एंड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। फिर लास्ट है मिक्स इडीमा। मिक्स इडीमा फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ फॉर्म ऑफ नॉन पिटिंग इडीमा अकरिंग ऑन द स्किन ऑफ फेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज ऑल्सो इन इंटरनल ऑर्गन्स ड्यू टू एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस इन द इंटरस्टिशियम। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट इडीमा। हमने कौन कौन से टाइप्स ऑफ इडीमा पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा था रीनल इडीमा, जिसमें हमने पढ़ा था कि तीन कारणों की वजह से हो सकता है, या तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, या फिर कोई ट्यूब्यूलर इंजरी हो रही है जिसके कारण रीनल फेलियर हो रहा है और रीनल इडीमा देखने को मिल रहा है। सेकेंड हमने पढ़ा था कार्डियक इडीमा। कार्डियक इडीमा कब होता है? जब राइट साइड हार्ट फेलियर हो रहा है, और इसमें हमने पढ़े थे तीन चीज़ें होती है, या तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, क्रॉनिक हाइपोक्सिया होता है, और सेंट्रल वीनस प्रेशर मतलब वीना केवा में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। फिर थर्ड हमने पढ़ा था पल्मोनरी इडीमा। पल्मोनरी इडीमा में क्या होता है? लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होता है, और इसमें भी तीन कॉजेज हमने पढ़े थे, इंक्रीज इन पल्मोनरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, या फिर वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाना, या फिर अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा चले गए तो एनॉक्सिक कंडीशन की वजह से पल्मोनरी इडीमा देखने को मिलता है। फिर फोर्थ था सेरिब्रल इडीमा। इसके हमने तीन टाइप्स पढ़े थे, वेसोजेनिक, साइटोटॉक्सिक और इंटरस्टिशियल इडीमा। फिर उसके बाद हेपैटिक इडीमा। हेपैटिक इडीमा में चार रीज़न थे जिसके कारण हो रहा था हेपैटिक इडीमा, और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि सिरोसिस हो रहा था, या फिर एल्कोहलिज्म, या फिर हेपेटाइटिस की वजह से हो रहा था, मतलब क्रॉनिक एल्कोहलिज्म की वजह से। तो इसमें हमने चार चीज़ें पढ़ी थी, या तो मतलब हाइपोप्रोटीनेमिया होता है, और पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है, और सोडियम और वाटर रिटेंशन होता है जिसके कारण हेपैटिक इडीमा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशनल इडीमा पढ़ा और मिक्स इडीमा पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इडीमा, एंड इफ़ यू वॉन्ट द पिक्चर्स ऑफ माई नोट्स यू कैन रेफर टू माई इंस्टाग्राम पेज बाय द नेम caduceus_khyati। लिंक इज़ ऑल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।